अभी तक इतना अच्छा जो प्रोग्राम चला कैसा रहा? पर आवाज अच्छा नहीं है, काहे पूरे हॉल मिलके बोलिएगा, इतने सारे नीचे से ऊपर लोग भरे हुए हैं पर आवाज ऐसा नहीं है। थक गए कि एसी से ठंडा हो गया? नहीं तो ठंडा लग गया, आवाज क्या है नारा? अच्छा लगा तो ये अच्छा लगा तो तेजी से ना बोलिएगा, तो आवाज में कैसे लोग मानेंगे अच्छा लगा? आवाजे से ना, तो आवाजे तो कमजोर है। अभी इतना अच्छा आप लोग को नितेश सर ट्रेनिंग देके गए, कम समय में बहुत सारे कुछ जानकारी देके गए, वो कैसा रहा? एक बार बोलिए नितेश सर के लिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। कम समय में इतना अच्छा पावरफुल प्रोडक्ट को ट्रेनिंग दिए, और सभी को हम सभी को आने से पहले से यहाँ स्टेज को संभालने के काम कर रहे थे, जोरदार तालियां विवेक सर के लिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। और इतना अच्छा प्रोग्राम आज सभी को एकत्रित किए, ये इतना अच्छा प्रोग्राम को व्यवस्थापक के रूप में जोरदार तालियां ललिता मैडम रमेश सर के लिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। और बहुत सारे यहाँ क्या है रिएक्शन परिवार हैं जो सभी मिल के क्या है ये प्रोग्राम को इतना अच्छा से सफल बनाने के काम किए, सभी वॉलंटियर को लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। वो गार्ड लाइन कर रहे हैं कितना अच्छा से। अब सोचिए 100-200 बाराती आता है जिसमें कितना सारे लोग संहारने वाला होते हैं, फिर भी अच्छा से होता नहीं है। पर यहाँ देखिए इतने सारे लोग हैं जो पता भी लगते नहीं है, क्योंकि यही सारे चीज़ हम सभी को अंदर शुरू से ही डाला गया है, संस्कार और ज्ञान डिसिप्लिन। कहीं भी जाइए तो अपना डिसिप्लिन बना के रखना है। तो जोरदार तालियां होना चाहिए हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशीला मैम सुरेंद्र सर के लिए, जो आज हम लोग सामना कर रहे हैं, सीख के क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। डिसिप्लिन कहीं भी जाते हैं तो अपना जान के कोशिश करते हैं डिसिप्लिन में ही रहना, और आप लोग अच्छा से डिसिप्लिन बना के ट्रेनिंग को सुन भी रहे हैं, इसी तरह से लास्ट तक डिसिप्लिन अनुशासन में ही रहना है। तो यहाँ देखिए सभी लोग अपना अपना कहानी पहले से भी बताए होंगे, पर यहाँ सभी तरह के लोग अपना बारे में बताए होंगे, हम कैसे आए बीमारी से ज़्यादा लोग वो सुनने होंगे कि हम कैसे आए बीमारी से। तो हम भी बताते हैं कि मेरे नाम रेखा देवी हुआ, हम बख्तियारपुर से हैं, और डी एक्शन में आने के कारण हम बीमारी से ही आए थे। पर कहीं के हर एक मीटिंग में हम बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी में आए हैं, पर आज हम लोग को जो स्पीकर के रूप में आए थे वो डिएक्शन में बीमारी से क्या बताएं नहीं आए हैं, गरीबी के कारण नहीं आए हैं। उनके पास भगवान पहले से ही सारा सुख था, पर फिर भी डिएक्शन के च्वाइस करके आए हैं। एक जोरदार तालियां होना चाहिए, वो इतना अच्छा, मतलब इससे अच्छा उनका कुछ और नज़र नहीं आया, इसीलिए वो अपना पसंद से चूज करके डिएक्शन को आए हैं। तो इस तरह से सोचिए हम लोग जो बीमार बन के आए वो भी कितना भाग्यशाली हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर इंजीनियर वो काम को चूज करके वो आ रहे हैं, अपना पसंद से आ रहे हैं, और वहाँ पे बिना डिग्री के एक गरीब आदमी बेकार आदमी और बीमारी के कारण आते हैं। अब जो भी नितेश सर यहाँ से बताएं बहुत अच्छा तरीका से बताएं, पर आप लोग कैसे सुन रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सर के बात से हमें बैठे बैठे समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो भी लोग बताते हैं सही में सच बताते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है जो फालतू बता के गए हैं। यहाँ पे सभी आदमी क्या है बीमार रहता है तो सच में कहता है कि भगवान ले चला, कहता है कि नहीं कहता है, पर सच में प्रोडक्ट खा के जिंदगी मिलता है तो सोचता है कि डायमंड बन जाए कब, मिलेनियम बन जाए कब। एक जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत अच्छा पावर को बात बताए सर ने, सही बात है, क्योंकि हम बीमार डिएक्शन से पहले क्या है बहुत खराब स्थिति था, बीमारी था और उतने तेजी से गरीबी था,
तो आप सभी लोग को मालूम होगा जो गरीब होंगे कि कैंसर से सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी में देखा जाए।